राष्ट्र के लिए काम और जब निजी काम है तो निजी काम कर। इसलिए पूरी है और वेदांत लिखता है जिस राष्ट्र का महामंत्री ऐसा होगा उस राष्ट्र का पराभव हो नहीं सकता। ये ब्राह्मण तो है ब्राह्मण की पूजा करती है। मित्रों हम उसी राह पर बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें लोग कहते हैं कि आशीर्वाद देने की ताकत ब्राह्मण के अंदर है, वो ये भूल जाता है कि श्राप देने की ताकत है वो ब्राह्मण। अरे संघर्ष शक्ति है आप लोगों की, आज दिख रही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक का महत्व है, वोट का महत्व है, संघर्ष शक्ति होनी चाहिए। अब जब संघर्ष शक्ति होगी तो किसी की भी आज किसी को भी आशीर्वाद दे सकती है, किसी को भी आशीर्वाद दे सकती है, किसी का भी बेड़ा पार कर सकती है और बिगड़ी का किसी का भी बेड़ा ठार कर सकती है। तो संघ की शक्ति भी पैदा होनी चाहिए लोकतंत्र में। राजतंत्र तथा दूसरी राजनीति करने की विधा थी, लोकतंत्र दूसरी विधा। लेकिन सबके बीच में राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है और जो राष्ट्र निर्माण कर सकता हो उसी के पीछे रहना चाहिए क्योंकि राजनीति बहुत बड़ी है। सब अपने अपने एजेंडा को लेकर राजनीति के लोग आते हैं, स्वार्थों की राजनीति है, लेकिन राजनीति राष्ट्र के लिए हो। राजनीति के लिए नहीं, राजनीति का भी गलत है। राजनीति जिन हाथों में हम सौंप रहे हैं, जिन लोकतंत्र हम सौंपते हैं, राजनीति वैसी है। तरल पदार्थ की भांति राजनीति है कि पानी की बोतल है, पानी में बोतल का आकार ले लिया, जिसको गिलास में कर दीजिए पानी गिलास का आकार ले लिया, घड़े में कर दीजिए घड़े का आकार ले लिया। तो राजनीति भी ऐसी है, हम किसको सौंप रहे हैं वैसा आकार नहीं। वहां कहते हैं न तो हमारे राजा एक नौ का एक पंता को लेकर बोलता है, यह थर्मण है। तो जब हम अन्याय के खिलाफ अकेले हो और लड़ने का जज्बा रखते हो तो ब्राह्मण है और तब परशुराम जी की जय बोलने के हकदार है। यह हम लोग दूसरा उदाहरण हरीश महाराज मानवता संकट में पड़ गई, सृष्टि संकट में पड़ गई, एक गोली काट के तो कोई दे नहीं सकता। अरे वो भी आप सब देखते होंगे कि पिता बीमार है तो पुत्र अपने पिता को रक्त नहीं देना चाहता, खून भी कहीं से पुत्र मिल जाए चढ़वा तो उसके पिता को। लेकिन जब ये मालूम पड़ा कि हरीश की हड्डियों से राक्षस का वध होगा, जिसने सृष्टि को चुनौती दे रखी है, चुनौती जिसके बारे सृष्टि हाहाकार कर रही है, तो पहुंचते हैं और स्वतः अपने जीवन को दान देकर वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां देते हैं। ये ब्राह्मण कर सकता है मित्रों, समाज के लिए ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है। और इन गुणों को अगर हम भूलते जाएंगे तो फिर समाज में हमें उपेक्षित होना पड़ेगा। क्या कारण है कि 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे को 7 साल तक अन्य बिरादरी का आदमी पढ़ने की पायदान कहता है? इस वजह से, क्योंकि उसके पीछे उसकी त्याग तपस्या बलिदान बोलता है समाज के लिए, देश के लिए। तीसरा उदाहरण चाणक्य का। चाणक्य ने
इस राष्ट्र को पहला राष्ट्र नेता हुआ है इस धरती पर चालक जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक भारत को एक राष्ट्र बताया और उस सूत्र में पुरोया था। जैसे मैंने कहा परशुराम जी के बारे में इकलौते और उस आदमी ने अकेले उस समय की सबसे शक्तिशाली शक्ति सत्ता नंद की कोई इसके पास है ना नहीं कोई कुछ नहीं चुनौती दी थी कि तेरे वंश को मैं नष्ट कर दूंगा। और एक गांव के भीड़ चलाने वाले बालक के अंदर गुण देखे और उसको तराशा तलाशा फिर तराशा और इतिहास बदला था उसको। ये ब्राह्मण स्वयं व्यक्ति नहीं, आज तक हम याद करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उस साम्राज्य को जो स्वर्णिम काल है इस राष्ट्र का, उसका कौन निर्माता था? चाणक्य। और जब वहां से चीन का यात्री हिंदुस्तान चलता है कि इस राष्ट्र को देखना है, उस चाणक्य को देखना है जिसने इतना बड़ी क्रांति की है, उस समय की सबसे बड़ी क्रांति बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है जो चाणक्य ने की, उसको देखने के लिए चलता है, दरबार में पहुंचता है। उसकी कल्पना थी कि इस बड़े साम्राज्य का महामंत्री मुकुट मुकुट सोने का पहना होगा, लगभग गहने पहना होगा और वस्त्र आभूषण कीमती पहने होगा। उसने देखा कि बात एक सफेद धोती पहने बैठा हुआ है जिसको चाणक्य बताया जा रहा है, वो हत्या हो गया। उसने कहा महात्मा जी मैं आपसे एकांत को मिलना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने शाम का समय दिया रात्रि का, वह इंसान पहुंच काम की कुटिया में, पहले तो कुटिया देख गई हतप्रभ है, फिर वो बैठाते हैं उसको, कुछ काम कर रहे होते हैं, बुलाते छोटी सी डिब्री जो होती है पुराने समय में उसको जला के उस डिब्री को बंद करते हैं, दूसरी डिब्री चला के चलिए इंसान की बात करिए क्या कहना चाहते हैं। सोचता है ये क्या, यह पुरानी डिग्री भी जो पहले चल रही थी वह भी उतना प्रकाश दे रही है, यह भी उतना प्रकाश दे रही है, ये बदली क्यों? तो पहला शक्ति यही करता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपको क्या है इसको जलाया, यह भी उन प्रकाश दे रही थी, यह भी उन प्रकाश दे रही है। तो बोले आपके आने से पहले मैं देश का काम कर रहा था, राष्ट्र का काम कर रहा था, इसलिए सरकार के नीचे जो जला रहा था, अब व्यक्तिगत काम कर रहा हूँ। जल्दी में हूँ, लखनऊ के लिए दिल्ली से फ्लाइट है और दिल्ली पहुँचना है 5 बजे टेक ऑफ लेगा प्लेन, तो मुझे जल्दी निकलना, इसलिए मैं बात तो बहुत करना चाहता था, संक्षिप्त में करूँगा और संक्षिप्त में ही मंच का संबोधन किया है, तो मंच से भी क्षमा मांगूंगा। मित्रों, जो पहले वक्ता थे कमल जी, मैं वहां से शुरू करूंगा, उन्होंने सेंटेंस बोला था, वहां मैंने पकड़ा उनका सेंटेंस कि ब्राह्मण सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सब समाज यानी पूरे राष्ट्र के लिए काम करते, यही ब्राह्मण तो है। अगर कोई पूछे कि भ्रमण तो क्या है, तो जो कमल जी ने एक सेंटेंस में एक वाक्य में बताया है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सोचने वाला ही भ्रमण है। मित्रों, मैं विनय की भूमि पर हूं जहां मंगल पांडे की स्मृतियां जुड़ी हुई, मैं यहीं से भूमि को भी नमन करता हूं और उस महानात्मा का भी चरण वंदन करता हूँ, कहा कि जो महात्मा उनके श्री चरण में वंदन। दोस्तों, दैनिक जोली ये ब्राह्मण सम्मेलन है, योगेंद्र उपाध्याय जी समाज और बेमिसाल संबोधन कर संख्या की दृष्टि से इतना था दैनिक जोली कि पूरी कुर्सियां भरी थी, गैलरी भरी थी,
ऊपर बालकनी खड़ी थी, बाहर लोग थे, यहाँ तक कि मंच भी पड़ा हुआ था। और उत्साह इतना स्वागत करने का कि ये जो शोभा के लिए गुलदस्ते रखे इन्हीं को दे रहे थे हम लोग। ये संख्या को देख के जो दोष पैदा हुआ उसका परिणाम कि हम घर से जिला नहीं थे, हम आपका स्वागत तो करेंगे नहीं थे। इतने भव्य और विशाल आयोजन के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, रवेंद्र जी को और उनकी टीम। जरा पीछे शांत हो जाओ भैया। जैसा कमल जी ने कहा कि ब्राह्मण संत समाज के लिए सोचता है, तो मैं तीन उदाहरण देना चाहूंगा जो सिद्ध करेंगे कि ब्राह्मण तो क्या है, ब्राह्मण सोचता कैसे। और अगर हम ये भूल जाएंगे तो हमारी स्थिति तय नहीं हो जाएगी। हम कहते हैं कि एक समय था ब्राह्मण अभिनंदनी था, वंदनी था, आदरणीय था, आज दयनीय होता जा रहा है, तो क्यों इसके लिए सोच रहा। सब जानते हो कथाओं को, कहानियों को, किस्सों को। कुछ एक पौराणिक है और दो पौराणिक है, एक ऐतिहासिक। अभी आज सब परशुराम जी की जिंदाबाद के जय जय के नारे बोल रहे थे, ताला लगा रहे थे, परशुराम जी महाराज की जय। परशुराम जी क्या है, क्या अभी भी है, वो भी चिंता है, अमर अमृत उन्हीं को है, क्या है परशुराम? परशुराम जी वो है जब शिव जी का धनुष टूटता है जनक के दरबार में और उनको मालूम पड़ता है, तो मन की गति से चलने की विधा उन्हीं के पास की, तो पहुंचते हैं और आपने सुना होगा वो राम परशुराम होगा ना संबोधन भंजने हारा हो रे पुरित दास तुम्हारा। और उस पर कहते हैं वो सो भिलगाओ भिहाई समाजा ना तुम्हारे को यह सब अकेला ब्रह्म बोल रहा है कि ना तुम मारे नहीं है सब रहा है। ये ब्रह्म कर सकता तो गौरव करता। क्योंकि उसके अंदर नैतिक बल होता है, उसके अंदर आत्मिक बल होता है, उसका जन समर्थन उसके साथ होता है, उसका बल होता है। जिस सभा में बड़े बड़े शूरवीर थे, महावीर थे, वो सब अकेले नहीं आए होंगे, सब अपनी अपनी सेनाओं को लेकर आए होंगे।